उसने बोला सर अभी तुम्हारे पास वेटिंग भी बहुत है तो नए कस्टमर हम ना भी लें तो मेरे को दिक्कत नहीं। एरोगेंस अच्छा सीधे ये बोल दिया था। मूव पे एरोगेंस। नमस्ते कार लवर्स, वेलकम टू माय चैनल कार डील्स एंड आई एम कनिष सत्ती। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं किया कैरेंस के ओनर से। ओनरशिप रिव्यू होने वाला है क्योंकि इस कार को अराउंड 1 ईयर हो गया है भाई। देखते हैं कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स रहता है। और भाई आज की जो वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, अनफिल्टर्ड आपको सब बातें देखने को मिलेंगी। सो सबसे पहले सर आपका गुड नेम? प्रतीक सिंह। कितना टाइम हो गया आपको इस कार को लिए हुए? यार हमने जुलाई एंड में ली थी, बल्कि अब अगस्त ही मानो, अगस्त में ली थी एंड वी आर इनटू अप्रैल लास्ट। सो अभी तो हमारे पास 9-10 महीने हो गए शायद। सबसे पहला सवाल कैसी लगी? यार अगर एक ही सवाल तो एक ही वर्ड में दूं तो बिंदास। बस बस काफ़ी है, अभी के लिए काफ़ी है। अब सबसे पहले सर मुझे ये बता दो कि क्या क्या चीज़ें आपको कंपनी से मिली थी और क्या क्या चीज़ें आपने बाहर से लगवाई हैं। ये मेरा टॉप मॉडल है, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ मैनुअल वाला बंदा, मुझे ऑटोमेटिक इतना पसंद नहीं, ठीक है। अब इसके आप 25,000 से 30,000 ऊपर देते सिर्फ आपकी ऑटोमेटिक आ जाती, लेकिन मुझे नहीं जाना था, मुझे टॉप मॉडल ही लेना था। बिकॉज टॉप में ही थोड़ा सा हम अगर बात करते हैं सनरूफ टाइप, ठीक है, वो टॉप में ही था और किसी में था नहीं, तो मुझे वो चाहिए था एक्चुअली। तो चाहे छोटा है वो, एक ड्रॉबैक यही बोलूँगा, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन ठीक है, एक फिनिश के लिए, लुक के लिए आई एम ओके विद इट। तो मैंने फिर यही चूज़ करी और ज़्यादा काम नहीं करवाया था मैंने बाहर से, सिंपल आप जहाँ देखेंगे फुट रेस्ट और डोर वाइज़र। यस, क्योंकि यार किया वालों पे ना इसके ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, मुझे थोड़ा अलग लुक का चाहिए था, तो मैंने बाहर सर्च किया और ये एक अच्छा लुक मुझे मिला तो मैंने यूज़ किया इसको। एंड यस यार, कि शोरूम से लोगे और बाहर लोगे तो प्राइस डिफरेंस होता ही होता है, तो एक प्राइस डिफरेंस की बात थी ये लिया। डोर वाइज का तो प्राइस तो सेम ही रहता है, लेकिन कंपनी से लोगे वो आपको ये भी थोड़ा महंगा देते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये दो चीज़ ली, बाकी टॉप मॉडल है, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है आपको नहीं लगवाना मत लगवाओ, गाड़ी अपने आप में फुल है। और पीछे आपने कुछ नहीं करवाया? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, आप देख सकते हो कुछ नहीं। ये जो क्रोम की लाइनिंग और ये जो है ये सब आपने कंपनी फिटेड। कंपनी वाले तो हर चीज़ का एक्सेप्ट बोलते ही हैं, जितना बोलते हैं ठीक है, नेगोशिएट करो और ले लो। मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपने वो नहीं लिया था, पैकेज वैकेज? नहीं 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 नहीं, कुछ पैकेज नहीं, कुछ आपको एक ही प्राइस में देखने को मिला। हाँ 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 हाँ। एक्सटीरियर की बात करें, ओके, हेडलाइट का रिस्पॉन्स कैसा है हाईवे पे? बहुत अच्छा यार, मतलब बहुत अच्छा एक एरिया कवर करता है। मतलब यहाँ पर LED लाइट्स मिलती है आपको ना? बहुत अच्छा एरिया कवर करता है, तो मतलब हाई बीम पे कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं नहीं, घूमते रहते तो भाई ऐसी जगह भी मिली होंगी जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होगा। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे अगर आप आगरा एक्सप्रेस वे भी जाओगे वहाँ पे लाइट्स हैं ही का। अच्छा, तो मैं तो आगरा भी लेके जा चुका हूँ गाड़ी को। जब फीचर्स बताओ अंदर से जो आपको सबसे अच्छे लगे। सबसे अच्छे फीचर्स यहाँ जो लाइट्स आती हैं जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, डोर्स पे लाइट्स हैं, इस पे लाइट्स हैं, और इवन जब रात होगी तो पीछे का, जैसे आप डोर खोलोगे नीचे किया का बहुत बड़ा लोगो आता है पीछे वाले डोर्स पे, वेलकम फंक्शन। यस, वो पीछे वाले डोर्स पे, आगे वाले डोर्स पे नहीं है। अच्छा। वो पीछे दोनों डोर्स पे है। अच्छा, आप ये देखो इसमें गाड़ी में जैसे आगे की दोनों वेंटिलेटेड है। अच्छा। पीछे की नहीं है, लेकिन है। लुक इन्होंने सेम दी है कि सबको लगे पीछे भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं। लुक सेम दी है। आप देख लो यहाँ पर आपको 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है क्योंकि मैनुअल जिंदाबाद। यहाँ पर आपको काफी सारी प्रैक्टिकल चीज मिलती है, वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन आपको मिल जाता है, ये पार्क असिस्ट वाला है, कैमरे का मिल जाता है, बैक कैमरा ऑन हो जाता है, बैक कैमरा ऑन हो जाता है, और यहाँ पर है हिल डिसेंट कंट्रोल। यस, हिल डाउन हिल तो गए हो आप? यस, हिल पर भी गए? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, गाड़ी अपने आप ब्रेक लेगी ऑटोमेटिक डाउनवर्ड्स। अच्छा, अगर आप हिल से नीचे आ रहे हो, डाउनवर्ड हिल ही बोलते हैं इसको, हाँ। आप इसे ऑन कर दो, जस्ट आप कोई भी कर्व ले रहे हो गाड़ी ब्रेक लेती रहेगी। अगर आपका पैर ब्रेक पे नहीं है कोई इशू नहीं, फंक्शन ऑन है, गाड़ी ब्रेक लेगी। ओके, इवन आपकी नॉर्मल स्पीड से आप ऑटोमेटिक और स्लो हो जाओगे बिकॉज गाड़ी ब्रेक ले रही है। हाँ। तो जो आपके लिए सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आपको इनबिल्ट मिलता है। अच्छा, यस, दोनों साइड आपको देखने को, दोनों साइड, यस, सनशेड, सॉरी सनशेड, यस, दोनों साइड आपको देखने को मिलता है। यस, पीछे मैंने अपना लगाया हुआ है। अच्छा, ये जो छोटे मोटे वो सर ने अपने लगवा रखे हैं, कैसा है? अगर मेरे को तो लगता है आपने सिर्फ आगे से बैठ के ड्राइवर सीट पे बैठ के चलाई होगी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, लेकिन अच्छी बात ये है कि पीछे कोई बंदा लगता है कि यार सीट बहुत हैवी है मैं कैसे करूं, इसमें सिंपल सा बटन है, पीछे बैठना है, एक बटन दबाओ, सिंपल।
पीछे जाने के लिए मतलब कुछ झंझट नहीं है? कोई झंझट नहीं, सिर्फ एक बटन। अच्छा जी, एक उंगली? एक उंगली काफी है, बस एक उंगली लो पीछे बैठो। चलो आप जाकर दिखाओ मेरे को, आपकी हाइट कितनी है? आई एम 5'10" पीछे कैसा रिस्पॉन्स रहता है? आराम से, मेरे पैर टच भी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा कम, थोड़ा। 7-सीटर में सबसे अच्छा इसके पास है, मैंने सारी चेक करी। ये तो है, ये तो सच में। 7-सीटर में लोग की हाइट यहाँ टच करती है। आप मेरे यहाँ पे गैप देखो, यहाँ देखो आप, क्या बात है। और भाई बहुत 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 अच्छी चीज, एसी वेंट है वो जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये रहा AC, ये सबके एसी वेंट इस गाड़ी में ऊपर है कि भाई हमें कहीं जाना ही नहीं, आगे वाले भी। इसका एक बेस्ट फीचर बताऊं मैं आप लोगों को, अगर आपके घर में लेडीज हैं, एग्जांपल आगे आपके फादर बैठे हैं, तो वैसे पीछे कौन होगा? आपकी मदर और आपकी वाइफ, शादी में जा रहे हो, उन्होंने मेकअप किया होगा, स्वेटिंग आती है आपको फेस पर, सिंपल उनको बोलो लो मुंह पे हवा, मेकअप सुखाओ अपना, उनको स्वेटिंग ही नहीं होगी। ये बात तो भाई सिर्फ एक कस्टमर बता सकता है जिसने आप बीती बता रहे हैं सर, अपनी आप बीती, ये बिल्कुल अपनी आप बीती बता रहे हैं सर यहाँ पर, obviously। लेकिन भाई सच में मैं XUV700 भी देखी, इतना तो पीछे का स्पेस उसमें भी नहीं आता। स्कॉर्पियो बताऊंगा मैं आपको, मेरा सर टच कर गया यहाँ पर पीछे। तो अच्छा खासा गैप है, लाइटिंग भी अच्छी खासी मेरे को लग रही है, ये लाइट्स है यहाँ पर, और एसी वेंट्स एक नहीं दो दो, वाह व्हाइट लाइट्स आपको देखने मिलते हैं, मतलब बहुत मतलब प्रैक्टिकल चीज है। और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट भी है, सी भी है, हाँ ये रहा USB पोर्ट भी है, ये रहा। It's not USB, it's C. अच्छा। C चार्जर है, USB आगे एक ही है। Okay, क्योंकि आजकल हर किसी का तो C है। C है, Type C है सही में। हर किसी का C है, तो obviously इस पे जाओ। And एक चीज और कि जब हम पीछे बैठे हैं, मतलब अगर आप फैमिली में आप चार या पांच लोग ही जा रहे हो, आप पीछे की सीट यूज नहीं कर रहे हो, तो हर गाड़ी में जो सीट है पीछे फुल फोल्ड नहीं हो रही, किसी में 75 हो रही है, समथिंग समथिंग समथिंग, इस गाड़ी में अभी हम पीछे जाके आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी बन गया भाई, मिडल पैसेंजर्स के लिए ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एसी वेंट्स के कंट्रोल है, मतलब एयर फ्लो को कंट्रोल करने के आपको नॉब यहाँ पर देखने को मिलती है, नीचे दो चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको ये प्यूरीफायर भी मिल जाता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है इस प्राइस पॉइंट पे। अब सर वो पीछे वाला फीचर बता दो जो आप बात कर रहे थे। पीछे वाला फीचर ये है, अगर आप 6 लोग कहीं जा रहे हो, आप 7 लोग नहीं हो, ठीक है, पहली बात तो आप सी बूट स्पेस देखो यार। मैंने अभी दोनों सीट को बहुत पीछे किया हुआ है, डिक्लाइन किया हुआ कि बंदा पीछे बैठे हैं ना, आराम से वैसे बैठे हैं, ठीक है, हमारा एक बंदा नहीं है, चलो जी फोल्ड कर दो, बैग रख दो। अगर एक और बंदा नहीं है तो अगेन लो जी 5-सीटर बना दिया आपने तो बिल्कुल लो। अरे वाह, अब स्पेस देखो भाई, यहाँ तो गद्दा लगा के सो जाएगा बंदा। मेरे वर्ड्स, मैं बोलता आपको ये वर्ड्स एक्चुअली, यस। अच्छा। अगर हम दो कोई ड्राइवर भी साथ जा रहे हैं, ठीक है, आराम से एक गद्दा डालो, आराम से सो जाओ। सही। और सर ये आपका है ना शायद? हाँ ये है सर की कंपनी इनवोग, है ना? यस यस। क्या यस, काम है सर आपका? हम लोग प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी फैक्ट्री ग्रेट नोएडा में है। अब ये टेक्निकल वर्ड हो गया प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, इन शॉर्ट इसे लोग वेयर हाउसेज शेड्स बोलते हैं, बाकी कुछ फोटोज देखेंगे तो आप ऐसे में कुछ समझ सकते हैं तो समझ जाओ। भाई यहाँ पर सर का नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, अगर आप इनसे काम करवाना चाहते हैं। अभी तो हम इनसे काम ले रहे हैं, वो भी गाड़ी के रिव्यू वाला। अब चलते हैं ड्राइव पे, तो भाई सर जी कैसा रिस्पॉन्स है ड्राइव का? यार मुझसे पूछोगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा यस भाई, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बताओ पहले, सबसे पहले। स्मूथ, बहुत स्मूथ, जबरदस्त। मतलब देख रहा हूँ मैं, एक हाथ से मैनूवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप? नहीं एक्चुअली हम चलाते हैं, एक हाथ तो यहाँ रहेगा ना आपका, तो आपको आदत ही ऐसी है। देखो अगर आप रोज डेली ड्राइवर हो तो आपकी गाड़ी एक हाथ से चलेगी। देखो सही, मतलब व्यू देख, व्यू कैसा है? मतलब बहुत क्लियर, आप खुद देख सकते हो, आप सामने बैठे हो, राइट देखो लेफ्ट देखो, अभी तो फिर भी रोशनी है, जब रात भी होगी लाइट ऑन करोगे तो काफी व्यू देती है लाइट आपको। अच्छा। काफी क्लैरिटी देगी लाइट आपको। हेडलाइट का तो आपने बताया है कि हेडलाइट तो बहुत अच्छी है इसकी। हाँ, हाँ। बहुत अच्छी। अर्गोनॉमिक्स के मामले में बताओ कि मतलब हर चीज आपके अप्रोच में है? यस एवरीथिंग, आप पूछो जो सेटअप आराम से क्लिक, मीडिया रेडियो सीक, ट्रैक चेंज करना है, नेविगेशन मैप, क्या चाहिए हम लोगों को? रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है यार, मतलब टच में कोई दिक्कत तो नहीं आती? बहुत स्मूथ टच है, बहुत स्मूथ। वैसे आप ये देखो ना, आप ये देखो, अब हमारा FM चल जाएगा ऐसे तो। Nice. अच्छा इसके बटन्स भी यहाँ पर दे रखे हैं आपको, मीडिया कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, सब कुछ है। हाँ, क्रूज कंट्रोल भी तो है इस कार में, है ना? Yes. यूज करा है कभी? Yes.
कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा। एडास नहीं है बस इसमें, है ना? यस। लेन की बसेज आपको हाथ रखना ही पड़ेगा इसमें। हाँ हाँ हाँ, आपको खुद ही चलानी है, लेकिन भाई मजा उसी में, साफ बात। सीधी मैनुअल लीज या इसी वजह से जाती है यार, अपने हाथ में होनी चाहिए कंट्रोल, तभी तो मैंने ऑटोमेटिकली। लोग मुझे कहते हैं यार सिर्फ 25,000 की बात थी, सिर्फ 25,000 की बात, तूने टॉप मॉडल लिया, 25 और देता ऑटोमेटिक लेता। अच्छा। यार जो मजा अपने हाथ में है और कहां चाहिए तो मजा चाहिए। यहां पर एक बारी उठा के दिखा दो, जबरदस्त। अरे भाई, ओ भाई, ये देखो भाई साहब। अरे भाई अब स्पीड ब्रेकर आ गया, सॉरी। ओ भाई, ब्रेकिंग का रिस्पांस भी बहुत जबरदस्त है यार। डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट में, रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, लेकिन भाई बहुत तगड़ा रिस्पांस है यार इसका तो। ये गाड़ी ने अपना टोन बजाई कि आप 80 के ऊपर आ रहे हो तो टोन तो जरा कंट्रोल करें, कंट्रोल योर इमोशंस। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, MID मतलब ये जो है इसमें कैसा रिस्पॉन्स, मतलब हर चीज विजिबल है? किस चीज में? ये स्क्रीन? यस 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 यस, मतलब स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल। तो मेरे को देखने में ही पता लग रहा है, मैं सेकंड रो में बैठा हूँ, यहाँ से शूट कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे को इतना अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ। सर आप कह रहे थे सिटी की एवरेज देखो आप। हाँ, वही मैं जस्ट मेरे मुंह के बाद छीन लिया आपने। आप कह रहे थे कितनी एवरेज दिखा रही है सिटी की, एवरेज देखो ये। अरे भाई भाई भाई, 15.5। अरे कैमरा थोड़ा सा, 15.5 ये सिटी की एवरेज है? यस। जब से मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है तब से, मैं अभी कहीं लेके नहीं गया इस गाड़ी को, कहीं हाईवे वाईवे पे, तो ये मेरी सिटी की एवरेज है। अरे वाह। इंटीरियर तो यार बहुत ज्यादा प्रीमियम है, इंटीरियर देख लो यार, ट्रिपल टोन इंटीरियर बोलूंगा मैं तो। ऊपर ब्लैक है, नीचे यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग, ये एसी की लाइनिंग देख लो यार, क्या मस्त लग रही है। एंड यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है जैसे सर ने पहले बताया था, तो भाई नाइट में तो और जबरदस्त रिस्पांस रहता है इसका। यस। एसी का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा, मतलब हमें सिंपल ऑटो पे दबाओ, आपको एकदम स्मूथनिंग फील आएगा कि हाँ यार आपको ना तेज करना है ना स्लो करना है, ऑटो इज वेरी गुड, वेरी गुड। जगह थोड़ी कम है लेकिन यहाँ पर ठीक है, हमको रखना ही क्या होता है, मुझे तो ये रखना होता है। सर को अपने शो ऑफ के लिए सनग्लासेस रखे हैं सर ने। दो दो, एक यहाँ भी रखो। दो दो, हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ, ये देखो सनरूफ खोल के दिखा दो। चलो सनरूफ भी देख ही लेते हैं, थोड़ा छोटा है बस, थोड़ा छोटा है। हाँ भाई, ये है सनरूफ, तो भाई थोड़ी छोटी है जैसे सर ने बताया, थोड़ी छोटी है, लेकिन भाई अगर पैनोरामिक सनरूफ होती ना तो भाई ये जो एसी वेंट्स है ना ये यहाँ पर आपको ना मिलते, जैसे मैंने आपको अंदर से दिखाई दिया कि ये एसी वेंट्स है, तो भाई ये एसी वेंट्स ना मिलते आपको, बस बहुत अच्छी चीज़ है। और जो मैं ये एयर प्यूरीफायर की बात कर रहा था, ये देख लो भाई, ये है, और भाई क्या साफ हवा मिल रही है मेरे लंग्स को, दिल्ली जैसी जगह में ऐसे साफ लंग्स। और सर और बताओ, अच्छा फ्यूल इकोनॉमी की आपने बात पहले भी कर ली, एक बार और बता दो हमारे व्यूअर्स को कि फ्यूल इकोनॉमी कितनी दे रही है आपको सिटी में, हमने देख लिया 15। यार हम कुछ नहीं बोल रहे, आप ये देखो सामने, ये तो हमने देख लिया, तो सिटी की बात हो गई, उसकी बात करो हाईवे की। हाईवे पे मैंने इस गाड़ी से 19 भी ली है। 19? क्या बात कर रहे हो, मैंने ली है। यस, मैंने ली है, इसी गाड़ी से ली है मैंने। कहां? अच्छा जी, इवन मैंने तो बीच में 20 भी आई थी 20 point something, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द ट्रिप की हम बात करें तो 19 से आज मैंने ट्रिप अपनी ख़त्म करी थी। क्योंकि क्या होता है, एवरेज लेने के लिए आपको एक सेम स्पीड पे गाड़ी को चलाना पड़ता है, जो हम लोगों के बस की नहीं है। सही, क्योंकि हमारी गाड़ी तेज भी चलती है, स्लो तो हम लोगों से वैसे ही नहीं चलती है। और इंडियन हाईवे की हालत आपको पता ही है, ये देखो, ये ऐसे स्पीड ब्रेकर आपको मिल जाते हैं, वो भी हाईवे पे गड्ढे मिल जाते हैं, आप वो छोड़ो, तो उसमें 19 की एवरेज निकालना तो भाई बहुत जबरदस्त। मैंने 20 देखी हुई है, लेकिन उस समय मेरी ट्रिप खत्म नहीं हुई थी, इसलिए मैं आपको 20 नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने देखी है इस गाड़ी में 20 भी। अच्छा, ये विंडस्क्रीन पे ये क्या आ गया इतना बड़ा, क्या है ये? यार देखो, इंडियन रोड्स की हालत आपको तो पता ही है क्या है। हाँ। ठीक है, मैंने गाड़ी नई नई ली थी, शायद 15 दिन ही हुए थे, आगे किसी ट्रक के व्हील के नीचे एक पत्थर आ गया और पटाक, मतलब। अच्छा जी। यस भाई साहब, इतना बड़ा आ गया। यस, अब तो मांग रही है, अब थोड़ा सा मांग रही है ना, विंडस्क्रीन तो चेंज करना बनता है। यार देखो, अभी तो एक साल भी नहीं हुआ एक्चुअली, अभी भी नहीं हुआ मुझे एक साल, तो इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक है, जब तक ये मुझे इशू नहीं क्रिएट कर रहा, बिकॉज आपके सामने बीच में है और मेरे लिए मेरा व्यू क्लियर है, अगर ये थोड़ा यहाँ पे होता तो शायद मैं से बहुत जल्दी चेंज करवा देता। अच्छा, मेरे को जरा नीचे का बता दो, क्लच पेडल कैसा है, ब्रेक पेडल कैसा है और एक्सेलरेटर कैसा है, मतलब स्मूथ रिस्पांस है कि नहीं है?
मुझसे पूछोगे तो बहुत ही स्मूथ है, आपको खुद ड्राइव करनी आप खुद ड्राइव करके देख सकते हो, लेकिन मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ टोटली, क्योंकि पावर स्टीयरिंग पावर ईच एंड एवरीथिंग, बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। जब आप कोई भी गाड़ी नहीं चलाते हो तो आपके पैर को दो तीन बार यूज़ करके आइडिया मिल जाता है कि किसको कितना प्रेस करना है, क्योंकि कोई गाड़ी ब्रेक ज़्यादा मांगती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी नॉर्मल मांगती है। अच्छा। कोई ज़्यादा नहीं मांगती, कोई कम नहीं मांगती, जितना प्रैक्टिकली चाहिए उतना मांगेगी। अब जरा इसके कॉम्पिटिटर्स की बात बता दो कि आपने क्या क्या इसके कॉम्पिटिटर्स देखे थे और आपको क्या फील हुआ और आप यही। यार देखो, मेरे मन में था कि मुझे 7-सीटर लेनी है, तो सबसे पहले मेरे मन में आया महिंद्रा 700। ठीक है, ठीक है, मैं उसी पे गया, ठीक है, पटपगंज वाले में ही गया था, लेकिन आई गेस उनके वहाँ पे स्टाफ मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, बिकॉज एक कस्टमर को आपने 15 मिनट से बिठाया हुआ है, ठीक है, कोई बंदा उस पर आ ही नहीं रहा फॉर डिस्कशन, ठीक है, चलो 15 का हमने आधा घंटा वेट किया, बिकॉज मेरा मन उसी पे था, बंदा फिर नहीं आया। चलो फिर मैंने रिसेप्शन पे जाके बोला कि आपका बंदा ही नहीं है, ये है वो है, तो उसने बोला सर अभी तुम्हारे पास वेटिंग भी बहुत है, तो नए कस्टमर हम ना भी लें तो मेरे को दिक्कत नहीं। एरोगेंस। अच्छा, सीधे ही बोल दिया था मुंह पे एरोगेंस। ओ, तो मैंने बोला चल यार कुछ नहीं होता भाई, तेरी मर्जी, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। फिर वैशाली वाली ब्रांच में भी मैं गया, वहाँ पे मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली। ठीक है, क्योंकि मन तो आखिर उस पे था ना। आपने लेकिन अर्टिगा और उसके लिए नहीं सोचा है? नहीं, अर्टिगा मैंने सोचा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा मैंने अर्टिगा, क्योंकि लोग तो इसी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं। हाँ यार, अब पता नहीं क्यों लेकिन लोग देखते उससे, लेकिन मैंने कभी उससे नहीं किया। मैंने इसको जब कंपेयर किया स्कॉर्पियो NB तभी आई, मैंने स्कॉर्पियो NB देखी, ठीक है, लास्ट सीट पे बैठा, मेरा सर टच हो गया तो फीडबैक मेरा वहीं ख़राब हो गया, ठीक है। और महिंद्रा 700 में भी ये था कि यार मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली, ठीक है, अब जो बंदा गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लेके आया था, मेरी नज़र उसकी एवरेज पे पहुंच गई। यार अगर मैं 20 से 25 लाख स्पेंड कर रहा हूँ किसी कार पे, तो यार मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि मैं 7 to 8 or 10 तक रुक जाऊँ एवरेज में। एक्चुअली जब मैंने इसको कंपेयर किया, इसकी एवरेज अच्छी मिल गई, क्योंकि मुझे चाहिए था पेट्रोल। हाँ। कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत नहीं है, सही, मैं उनमें से हूँ कि ठीक है यार एक साल में 10,000-12,000 चल जाए गाड़ी मेरी। अभी देख लो भाई, सर की चल चुकी है यहाँ पर 14,054। हाँ। पूरी पूरी 14,054 और 15.2 की इकोनॉमी है, सिटी की है, हाईवे की नहीं है। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। और उसके अलावा लेकिन वो तो बाई चांस की बात है कि इसी कार के साथ एवरेज अच्छी मिल रही थी तो मैं 3-4 ट्रिप निकाल दिए, वरना मेरी कोई भी कार एक साल में 10-12 से ज़्यादा नहीं चलती, और ये मेरी कार 10 महीने में 14,000 चल गई। सर के पास भाई क्रेटा भी है, ये नहीं क्रेटा वो पुराना मॉडल, वो भी नहीं चली भाई 10,000 एक साल में। और XUV 700 हो गई, अर्टिगा आपने देखी नहीं? नहीं, अल्काज़ार पे भी मैं गया था। हाँ। लेकिन उसकी वही बूट स्पेस और थर्ड रो उसकी बिल्कुल बैटरी खत्म, बहुत छोटी, सही कह रहे सर, बैटरी खत्म, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं अल्काज़ार में गया था, मैं स्कॉर्पियो N में भी गया था, और जो ये है सफारी, मैं सफारी में भी गया था। अच्छा। सफारी की बूट स्पेस ख़त्म, और सफारी पेट्रोल में थी ही नहीं, है ही नहीं, वो अभी तक नहीं आई, तो मेरा वो वहीं से कैंसिल हो गया। ओके। कि मुझे चाहिए पेट्रोल था, ये मेरा डन था। और आपकी जो हेक्टर है, हेक्टर प्लस भी 7-सीट में बोलते हैं, लेकिन सॉरी टू से नहीं आती, वो 6 आती है। हाँ। ये हम मुझे बोलते हैं सर आप बाहर से बीच की सीट खरीदो, बीच में फिट कर दो। क्या बात कर रहे हो, मुझे बोला सेल्स पर्सन ने, नंबर आज भी सेव होगा उसका, उसने मुझे बोला कि सर हमारी 6 ही आती है, 7 नहीं आती, आप बीच की सीट मार्केट से लो, बीच में फंसा दो, कोई बंदा पीछे हटेगा बीच की सीट हटाओ फिर लगाओ, हटाओ लगाओ, ये क्या बात हुई, ये सोच के फिर वो भी मेरा रिजेक्ट हो गया। लेकिन ड्राइविंग वाइज मुझे वो भी अच्छी लगी थी, लेकिन मेरा मन 7 पे था, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। सर आप प्राइस बता दो कि कितने की पड़ी थी। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे गाड़ी 20 के आसपास पड़ी थी ऑन रोड, सब कुछ मुझे मिलाकर। वो जो आपने बाहर से लगवाया वो भी शायद मैं 20 में हो गया था, वरना 20.5 मान लो मैक्सिमम, बस नथिंग एल्स। पर अब तो प्राइस चेंज हो गया है। हाँ, मैं आपको जुलाई की बात कर रहा हूँ। एक शोरूम प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक द वीडियो. तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो भाई इस प्राइस पॉइंट पे कोई कार देख रहा है. मुझे पता है वो अर्टिगा के लिए जाएगा, एक्सएल सिक्स के लिए जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे. तो भाई उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि सर ने सारी सच्चाई बता दी है, सारी पोल खोल के रख दी है किया की कैरेंस की पोल नहीं भाई, तारीफ पे तारीफ कर दी है. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी कस्टमर रिव्यू आ रही है. एंड गेस करो कौन सी गाड़ी की आ रही है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी कार आप चाहते हैं. एंड कार का रिव्यू चाहते हो, बाइक का रिव्यू चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.